परमानंद भगवान की। तो लो सतगुरु संत खेमदास जी महाराज, परमानंद जी महाराज और खड़क सिंह जी महाराज की कथा जे। तो परमानंद जी महाराज का पिता को नाम कालू महर और माता को नाम रामवती देवी जो। तो सती रामवती देवी के चार पुत्र होया जी, तेजो प्रतो पातु और परमानंद। तो यो परमानंद जी महाराज कया इस संसार के मायने भगवान की भक्ति करे और गुरु खेमदास जी महाराज को शिष्य बने और कया अजर अमर होगो। तो लो सुनो, कि एक घड़ी आदि घड़ी तो आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे करोड़ अपराध। हुयो राम को भगत कुंडा धाम बन गोजी, सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। नाम कर गो अमर नाम कर गो, सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। अजीतांती जासुब ग्राम वास में रहता गोत कसाना, कुछ दिन बीत्या बरस बाद में छूटा ठोड ठिकाना। वैगी कुदरत की मजबूरी दुश्मन गांव बने गोजी, सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। अरे नाम कर गो रे अमर नाम कर गो, सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। जिला में सावलपुरा में गुड़ला को हनुमान, अज हाथ जोड़ चरणा में कालू जार करी प्रणाम। सेवा बजरंग की करबा से अमने आराम मिल गोजी, सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। अमर नाम कर गो, हाँ पण संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। ग्राम भी छोड़ दिया बैरिया की बनगी वाड़, बसगा काली की पाड़ी के माई सिंह मार दी धाड़। गुजर मीणा की संधि में गैरो घाव बने गोजी, सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। सत पर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। नाम कर गो जी अमर नाम कर गो, आपण संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो।
बिखा का काट्या पाचे गयो गर्व से भूले। सती रामवती माता के खेलिया गोदी में वे फूले। सबसे छोटो परमानंद उत्तम काम कर गो जी, सतपर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो, सतपर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। भगवान को भगत परमानंद बण्यू हरि को दास। बिखा में दुखी गुलाबी लेगी गरखा के बागा से। भक्ति करवा से रखवाड़ो आखिर राम बण गो जी, सतपर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो, सतपर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। गयो बावड़ी माई परमानंद जल भरवा के ताई, कहे राम जी लाल संत ने मिल गो कृष्ण कनाई। जीती दुनिया में सच्चाई जग प्रणाम कर गो, सतपर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो, सतपर संत हुयो परमानंद अमर नाम कर गो। संत खेमदास जी महाराज की जय। तो कालू सावलपुरा के मायने गुड़ला के हनुमान जी की सेवा करवा लग जाए जे, लेकिन सीकर जिला के मायने राजा को राजपाट सो तो भी दीपक ने देख कालू ने बंदी बना और आपका आम खास में पेश कर दे जे। किले भाई कालू थारो यो दीपक महा के लिए अब सुगंज है, या तो तू यो गांव छोड़ दे या तू या भक्ति छोड़ दे। तो कालू खेजे की ले भाई में मारी भक्ति कौन छोड़ू, चाहे यो गांव ही छोड़ दू जो। तो कालू गांव ने छोड़ धोली ग्राम में आ जाए जे। लेकिन धोली के माई ने भी कुछ दिन बीत और सरस्वती नदी की हो तो हुयो काली फाड़ी में हार बस जाए जे। बटे कालू एक साधु की सेवा करे जे, वो संत वरदान दे जे कि जा भाई थारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो चार पुत्र जन्म लीजिए, बड़ा ही बड़ा पुत्र को नाम तेजो जो मामटोरी में रह जाइए, जिसे छोटा पुत्र को नाम पातू जो देव नारायण जी भगवान की सेवा करे जे हरवाड़े जार, और प्रता नाम को पुत्र नावलाद चलो जाइए, और यो छोटो ही छोटो परमानंद जी महाराज बागास गांव के मायने छावड़ी गोत्र के मायने ब्याह जाए। लेकिन परमानंद जी महाराज के जन्म से पांडु को रोग सो, इलिए गुलाबी दुखी हुए और बिन बागास गांव में आपके पीर लिया जाए। तो परमानंद जी एक दिन भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन सो, तो वे सासरा की लुगाई खेवा लगी कि जाओ थे माने यो पानी ले लारी बावड़ी में पाया जाओ। बड़े परमानंद जी भगवान ने भगवान श्री कृष्ण मिल जाइए और मुक्ति को आधार बताओ जे और एक मार्ग बताओ जे। परमानंद जी शाम की जा और आपकी घराली ने खेचे कि मैं 3 दिन के लिए समाधि लूजूं, महारा बारा में कोई ने बता जे मत, और जे नहीं माने तो महारी देनी पहाड़ी के माले ले जा और दाग संस्कार होनो जाए कि जत्रे महारी या चिटली आंगली हाले जत्र तू या समझ जे कि मैं जिंदो ही सुमे मरियो को ना। तो एक परमानंद जी महाराज समाधि लगाओ जे बागास गांव में और कहीं कहीं आपकी भक्ति समाओ जे।
प्रेमानंद समाधि लगार सोहगो तपदारी, प्रेमानंद समाधि लगार सोहगो तपदारी। अरे तपदारी रे सोगो, तपदारी रे सोगो, तपदारी तपधारी रे सोगो, तपधारी रे सोगो, तपधारी रे प्रमानंद जी समाधि लगार सोगो तपधारी। अजी भीड़ भगत में बढ़ती आई, दर्शन दीनु कृष्ण कन्हाई। आशीर्वाद दियो जी कर तहार सोहगो तपदारी, प्रेमानंद समाधि लगार सोहगो तपदारी। अजी ब्रह्म ज्ञान शक्ति उपजाई, अंत में संत समाधि लगाई। आया छोट गयो जी गरबार सोहगो तपदारी, परमानंद समाधि लगार सोहगो तपदारी। सोच हुई हो बागास के माई, बिन ले आया पहाड़ी के माई। जब मच गई हाहाकार सोहगो तपदारी, प्रेमानंद समा सोहगो तपदारी। ओ तपदारी सोगो, तपदारी ही सोगो, तपदारी रे प्रेमानंद जी समाधि लगार सोहगो तपदारी। लाल तारो भजन बनायो, भाग्य के सित में आगायो। अर्जी सुन लियो जी दातार सोहगो तपदारी, ब्रह्मानंद समाधि लगार सोहगो।
परमानंद भगवान की जय हो। तो परमानंद जी महाराज की भी देई ने उठा और भी बागास की पहाड़ी के माले ले जा और चिता लगा दीजिए और जड़ावा के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बठी ने परमानंद जी महाराज तीन दिन बाद में आपकी समाधि खोल ले जे और माने पूछे जे कि बताओ भाई मने पहाड़ी के ऊपर कौन ले रहे हो जे। तो ये बागास गांव के मायने माने श्राप दे दे जे कि जाओ थारे गांव के मायने आग लाग जाएगी। तो भी भगत के मायने बागास गांव में आग लाग जाएगी। बटा सी परमानंद जी महाराज वे घर बार छोड़ और रवाना हो जाए जे। तो एक खाती को घर जो भी खाती के घर परमानंद जी महाराज आपके ससुराल जाए जो तो आतो जातो रह जो। भी खाती ने कहेगी ले भाई तू रवाना हो जा अठासू ई गांव के मायने कुंदराम। तो एक रात की रात गांव कांट में जा रहा जी। बटे गांव कांट में रो लाड़ा गोत का जाट जीण माता के जाबो करे जा। तो देखो वे जीण माता के जा रहा जी आसोज का महीना में और बठी ने परमानंद जी महाराज आपकी शक्ति को प्रदर्शन दिखा रहे हो जी। और एक गांव कांट के मायने परमानंद जी महाराज का ठाकुर जी का सिंहासन की पूजा और परमानंद जी महाराज की थूणी की स्थापना हो जाए। तो कहें ले देख परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में हारे परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में लोग लुगाई सारा बैठा जीण बाकी बाट में देख परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में हारे परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में देवन पहली काट माई जारी गली रोलाने था गोत का बनी का ठाट भाट में देख परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में हारे परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में हाथ पांव ठोड़ जुड़गा चक्कर खार कई पड़गा पुआ पुड़ी भी गायब होगा बकरा का बाछड़ा बना दिया आठ में देख परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में लोग लुगाई सारा बैठा जीण माकी बाट में देख परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव कांट में करे दीनी अल्ड पार्टी दूध दीनी अल्ड
भैंस दूध दिनी भोग लगा ताई थजन टका दिया जाट में एक परमान दिखाई गांव काट में लोग लुगाई सारा बैठा जीण बाकी बाट में हारे परमान परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव काट में एक परमानंद जी शक्ति दिखाई गांव काट में संत भगवान की। इस प्रकार परमानंद जी महाराज गांव काट में आपकी शक्ति को प्रदर्शन दिखा और वह रो लाना गोत का जाटा ने जीण माता के जाता हुआ ने प्रचोदे जे की जाओ अटे परमानंद जी महाराज की धूनी की स्थापना करो तो भी टेम में बने ब्याई भैंस दूध दे दे जे और वह पुआ पुड़ी भी गायब हो जाएगी बांगा चूरमा बन जाएंगे और बकरा का बाछड़ा बनाते जे तो परमानंद जी महाराज की शक्ति ने जान जाएंगे और मान जाएंगे। तो आज के और जीतन के बाद के मायने रोलाना गोत का जाट जीण माता के जाबो बंद कर दीजिए और परमानंद जी महाराज की धूनी की स्थापना करे और जात जड़ूला बटी छड़ावा लग जाए। अब परमानंद जी महाराज आपका सिंहासन ने छोड़ कुंडा धाम की पहाड़ी के ऊपर आ और एक तपस्या करवा लग जाए जे और बठे भगवान की भक्ति करे जे परमानंद जी महाराज का गुरु को नाम खेमदास जी महाराज सो जो बाड़ी जोड़ी धाम में जो तो परमानंद जी महाराज कई प्रकार से भक्ता ने परिचय दिया और कई तपस्या करी भगवान की। तो ले सुनो ई गोनपुरा की पहाड़ी में हुई संता की सकलाई रे धुणा के माल बैठ ताई सत पर जोत जलाई धुणा के माल बैठ ताई सत पर जोत जलाई धूना के माल बैठ ताई सत पर जोत जलाई परचोदी नू परमानंद भाग्या भूत प्रेत जिंद वालों सेवा में पाबंद कर दियो जंगल में आनंद शिव का मंदिर नीचे गंगा जाल तले निकल आई रे धूना के माल बैठ ताई सत पर जोत जलाई धूना के माल बैठ ताई सत पर जोत जलाई
सत्य हुई साधु की पानी पानी आयो पुत्र पानी पुत्र जन्म लियो सैलानी गीत गावे चीशे कानी वो कुंड कुटी बनवा कर ई गाटी में पात बंधाई रे धूणा के माड़े धूणा के माड़े बैठकाई सत्पर जोत जड़ाई धूणा के माड़े बैठकाई सत्पर जोत साधु दास गुलाब दास सरका संत मंगल दास रामा पंत प्रहलाद दास श्री महंत राम जी लाल भगत सेवा में आ गया रस की रात जगाई रे धूणा के बाले धूणा के बाले बैठ काई सत पर जोत जलाई धूणा के बाले बैठ काई सत पर जोत जलाई खड़क सिंह जी महाराज की जय हो। ई प्रकार परमानंद जी महाराज कुंडा धाम की पहाड़ी पर तपस्या करे और भगवान की प्राप्ति करे जय। परमानंद जी महाराज कई तीर्थ धाम करया तो एक समय द्वारिकापुरी जाती समय ये नौसले गांव के मायने रुक जाई जय तो बठे एक जिंद यानी एक प्रेत रह जो तो वे गांव का परिश्रम जा तो परमानंद जी महाराज भी प्रेत ने भटा सी मिटा दे जे तो वे नौसल गांव का राजपूत परमानंद जी महाराज की बठे भी धूणी की स्थापना करा दीजिए। अया परमानंद जी महाराज आपकी भक्ति करतो हुयो एक समय गुरु खेमदास जी महाराज के बाड़ी जोड़ी धाम में जा रहे जो तो जाजे कला की पहाड़ी के नीचे खड़क सिंह गाय छुड़ावा के लिए युद्ध के मायने आपको शीश कटाया और एक भटक तो हुयो मिल जाए जे और एक परमानंद जी महाराज को सामनु करे जे और परमानंद जी महाराज भी ने हाथ पकड़ ले जा खेमदास जी महाराज को शिष्य बनावे और कई प्रकार से भक्ति करे जे। अरे ऊपर जाज का ऊपर जाज का हो ऊपर जाज का डूंगर पर जमरी दा करे बैठो घोड़ा पर खादर सवारी हा करे हो ऊपर जाज का डूंगर पर जमरी दा करे बैठो घोड़ा पर खादर सवारी हा करे करे मारे से बाबू हा करे हो ऊपर जाज का ऊपर जाज का हो ऊपर जाज का डूंगर पर चमरी दा करे बैठो घोड़ा पर खादर सवारी हा करे मारे उखारा हो मारे उखारा ना सल्ट बोले ना करे बैठो घोड़ा पर खादर सवारी हा करे हो ऊपर जाज का डूंगर पर जमरी दा करे बैठो घोड़ा पर खादर सवारी हा करे
माया को हो पालो हाथ में पालो हाथ में हो पालो हाथ में काटी साधु पर आकर बैठो थोड़ा पर खादर संसारी हा करे हो ऊपर जाते का डूंगर पर जमरी दा करे बैठो थोड़ा पर खादर संसारी हा करे पार नहीं पायो माया को मैं भी त्याग करो काया को हो दादागिरी में दादागिरी में हो दादागिरी में थारे कन्हई राख रे बैठो घोड़ा पर खातर संभारी हा करे डूंगर पर जमरी दा करे बैठो घोड़ा पर खातर सवारी हा करे अरे हाथ पकड़ सतगुरु कन लायो राम जी लाल संत गुण गायो हो चढ़ता धूना की चढ़ता धूना की हो चढ़ता धूना की दे दीदी गुरु राख रे बैठो घोड़ा पर खातर संभारी हा करे परमानंद भगवान की जय हो। तो खड़क सिंह जी महाराज गाय छुड़ावा के लिए युद्ध करियो हुयो जो तो परमानंद जी महाराज कहजे कि ले भाई थारो गुरु गुण जे कहजे मारो तो गुरु कोई सही है। तो खड़क सिंह जी महाराज ने कहजे कि ले भाई चाल तने गुरु खेमदास जी महाराज की शरण में ले चालू। तो खेमदास जी महाराज बाड़ी जोड़ी का टीबा में तपस्या कर रहा जा तो एक बाड़ी जोड़ी धाम ले जा रहे जो परमानंद जी महाराज और खेमदास जी महाराज भी खड़क सिंह जी महाराज ने शिष्य बना हुए और कहे गुरु चेला का मिलान हो जाएंगे। बोलो खेमदास जी महाराज की खड़क सिंह और परमानंद का पूरण कर दिया काम है गुरु खेमदास महाराज मिला बाड़ी जोड़ी में धाम जय हो। अरे पड़गा खेम जी का चरणा में जार बाड़ी जोड़ी धाम में गया पड़गा गुरु का चरणा के माई जार बाड़ी जोड़ी धाम में गया बैठा डूंगर की चोटी के बाड़े संत पंथ में दे दियो मुक्ति को मार्ग पहलो लो संत पंथ में दे दियो मुक्ति को मार्ग पहलो गुरु खेमदास महाराज बनायो खड़क सिंह ने चेलो गुरु खेमदास महाराज बनायो खड़क सिंह ने चेलो परमानंद पर करो उपकार बाड़ी जोड़ी धाम में गया पड़गा खेम जी का चरणा में जार बाड़ी जोड़ी धाम में गया
पास महाराज गुरु चेला ने दीनी शिक्षा। प्रेमदास महाराज गुरु चेला ने दीनी शिक्षा। दूजा जे का डूंगर के मौले आकर करी तपस्या। दूजा जे का डूंगर के मौले आकर करी तपस्या। साचा साधु की लागी जी फटकार, बाड़ी जोड़ी धाम में गया पड़गा के मची का चरेगा में जार। बाड़ी जोड़ी धाम में गया बैठा डूंगर की चोटी के माले आर, हाथा में तू भी जीव डालिया। परमानंद महाराज गुरु चरणा में शीश नवायो। श्री परमानंद महाराज गुरु चरणा में शीश नवायो। सेवा में बिहवा दास राम जी लाल भजन में गायो। सेवा में दास राम जी लाल भजन में गायो। मिलायो करतार, बाड़ी तोड़ी धाम में गया। बैठा डूंगर की चोटी के माले आर, हाथा में तू भी चीम डा लिया। खेमदास जी महाराज की।